तो भाई लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक डिलीवरी दिखाना चाहता हूँ जो हमारी ही वीडियो से आए थे। तो भैया क्या नाम है आपका? विपुल। विपुल, तो भैया कौन सी गाड़ी ली है आपने? भैया शेवरलेट क्रूज। क्रूज जो अपन ने पिछले वीडियो में दिखाए थे ना? हाँ। अच्छा अच्छा, तो एनी भैया कितने में अपन ने भैया गाड़ी दी है? भैया मैंने आपको क्या रेट बोला था? साढ़े चार के आसपास। 4.5 लाख में हम देंगे गाड़ी। आपके थ्रू आए हैं तो 20,000 रुपए का आपको डिस्काउंट। अच्छा, 20,000 रुपए का डिस्काउंट। कब तक डिलीवरी हो जाएगी आपकी गाड़ी की? भैया बस 2-3 दिनों में। 2-3 दिन में ना? हाँ। 3 दिन में दे देंगे। चले, मुबारक हो। हे गाइस, मेरा नाम अनुराग, आरपीकार व्लॉग्स के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से अपने चैनल में चलने वाली है कार हाउस की सीरीज, मतलब एक एक करके आपको पार्ट्स मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ का जो स्टॉक है दोस्तों वो हर 2-3 दिन में अपडेट हो जाता है। पहले मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं, एक कार हाउस 1 के बनाए थे और एक कार हाउस 2। इसका वीडियो मैंने पहले बनाया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आया था। अब यहाँ पे आपको मिल जाती हैं लग्जरी सेगमेंट से लेके जो मीडियम सेगमेंट होते हैं उनमें गाड़ियाँ मिल जाती हैं इनकी। साथ ही साथ आज हमसे दोबारा जुड़ने वाले हैं अन्य भैया जो हमसे पहली वीडियो में जुड़े थे, तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि हम हर एक दिन छोड़े दिन आपको सेकेंड गाड़ियों की वीडियो ला के देते रहेंगे। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको दिख जा रही है। और अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको रेगुलर गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग आज हमसे जुड़ने वाले हैं अन्य भैया, प्रतीक भैया और भैया अपना नाम बताइएगा, मून भाई। तो तीनों भाई लोग आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों भाई का नंबर मिल जाएगा। पिछली वीडियो में हमसे जुड़े थे अन्य भैया, तो आज भी गाड़ी रिटेल लेने वाले हैं। तो अन्य भैया एक बार दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो फ्रेंड्स। हाँ, मैं एनी आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारा कार बाजार कार हाउस 2 जो कि जबलपुर में है, दीनदयाल चौक बड़कुल प्योर वेज रेस्टोरेंट के ठीक सामने। ठीक सामने। तो अनि भैया बहुत जल्दी आपके यहाँ दोबारा आना हुआ है क्योंकि स्टॉक आपका काफी जल्दी अपडेट हो गया। मतलब 2-3 दिन में अपना स्टॉक अपडेट होता रहता है ना, गाड़ियाँ बिकती रहती हैं, स्टॉक नया आता रहता है। अच्छा, तो जो पहली वीडियो देखे तो उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपको? हाँ, आपका रिस्पॉन्स बढ़िया है। तो बढ़िया। तो अनि भैया आज कौन कौन सी गाड़ी दिखाने वाले हैं? सबसे पहले इसे दिखाइए। क्रूज का एडवांस हुआ है तो भाई साहब की वीडियो के थ्रू ही हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जो क्रूज का एडवांस हुआ है आपके थ्रू ही हुआ है? क्रूज का एडवांस आपकी वीडियो के थ्रू ही हुआ है। चलो बढ़िया है। बुकिंग होती है यूट्यूब के जरिए भी, हमारे पास बहुत से कस्टमर आए हैं। अच्छा अच्छा, आते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आपकी वीडियो देख के हम यहाँ पे वॉकिंग करके आए। तो भाई लोग ये अच्छी चीज़ है क्योंकि भैया लोग का जो रेट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो चलो ज़्यादा वक्त नहीं कमाएंगे, देखते हैं आज का स्टॉक। तो भैया किया सेल्टॉस खड़ी आपके यहाँ आज 2020 की होने वाली है। 2020 STK प्लस। अच्छा, डीजल का टॉप सेकंड टॉप मॉडल आता है ये, है ना? ना, तो इसकी थोड़ी डिटेल बताइए कितनी चली हुई है? ये तो 6000 समथिंग चली हुई है कुल। 6000 के आसपास चली हुई, मतलब ब्रांड न्यू कंडीशन में है गाड़ी और डीजल में है दोस्तों। साथ ही साथ अभी आपको ये अगर आप न्यू लेने जाएंगे तो आपको शोरूम में न्यू गाड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी जो बुकिंग है भैया 2-3 महीने के लिए मैंने देखा हूँ वेटिंग में है ये गाड़ी। तो इसका क्या आस्किंग होने वाली थी अपने पास भाई? आस्किंग का तो ऐसा है, पार्टी डिमांड है 12,90,000। 12,90,000 रुपये पार्टी मांगती है जी। तो अपन अगर आता है कोई वीडियो से तो कितना कर सकते हैं ये बताइए आप तो जानते ही, आपका नाम लेके कोई भी आएगा तो उसको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। बढ़िया है, बढ़िया है। तो भाई लोग अगर आते हो तो बिल्कुल बताइएगा कि अनुराग भाई की वीडियो देख के आए हैं, आपको अन्य भैया मिल जाएंगे, प्रतीक भैया मिल जाएंगे, मून भाई मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, रेट भी आपके लिए कम करा देते हैं और लास्ट में अपन वीडियो के इंश्योरेंस की जानकारी भी देंगे और फाइनेंस की जानकारी देंगे। फाइनेंसर्स भी हैं और इंश्योरेंस वाले भी हैं आज सभी। तो भैया अगली गाड़ी कौन सी होने वाली है? ये तो अपनी बुक हो चुकी है, ये आपके वीडियो के थ्रू ही दोस्तों। ये क्रूज अपन ने पिछली वीडियो में दिखाए थे लेकिन अब ये बुक हो चुकी है, आज ही बुक हुई है, काफी अच्छे रेट में लेके आई थी गाड़ी को। तो अगली गाड़ी भी ये बताइए, मारुति की बेस्ट सेलिंग गाड़ी 2016 CR ZDI Plus टॉप मॉडल। 2016 CR ZDI Plus टॉप एंड वेरिएंट डीजल का, अब तो बंद हो गया, अब तो पेट्रोल ही आ रहा है। जी, 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 तो इसकी क्या डिटेल होने वाली है? आस्किंग है 7.25 लाख। और भैया एक चीज पूछना था, इनका इंश्योरेंस कंप्लीट है गाड़ी होगा? सारा सारा, फर्स्ट ओनर फर्स्ट पार्टी बीमा। फर्स्ट ओनर फर्स्ट पार्टी बीमा, अब ऐसा ही ना भैया, थोड़ा सा रोशनी। हाँ, तो फर्स्ट ओनर मिल जाएगा, फर्स्ट पार्टी बीमा मिल जाएगा। चली कितनी होगी ये?
चली समवेयर नियर वही 37,000 के पास ना। तो दोस्तों ये डील अच्छी हो सकती है आपके पास। ZDI है, टॉप मॉडल है, फर्स्ट ऑनर पे गाड़ी है, ZDI प्लस एक्चुअली सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। 13 लाख के आसपास का ये नई गाड़ी आती है। अपन के पास कितने में मिलेगी भैया? 7.5 लाख में। तो दोस्तों ये डील भी अच्छी हो सकती है। ऑडी अपन ने पिछले वीडियो में कवर किए थे, इसको अपन एक बार और लास्ट में बता देंगे। तो आज स्टॉक काफी अच्छा खड़ा अपने यहाँ पे, आइए ना आप। तो नहीं भैया, इसके बाद कौन सी होने वाली गाड़ी? ये इनोवा 2014 G4 इनोवा। तो ये 8 सीटर वाली गाड़ी है ना? हाँ जी, 1 2 3 4 हाँ ये वाली। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो इसकी क्या कितनी चली होगी भैया, थोड़ा अंदर दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों इनोवा के चाहने वाले बहुत सारे हैं और मेरे पास तो दिन भर ही फोन आते हैं कि अनुराग भाई इनोवा की वीडियो लेके आओ, कमेंट भी आप लोग करते हैं। तो ये 8 सीटर होने वाली है, अगर आपकी एक बड़ी फैमिली तो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसकी डिटेल बताइए भैया, कितनी चली होगी? थोड़ा 87,000 चली हुई है गाड़ी। तो क्या मांगते हैं भैया इसका? इसका 8.25 लाख के आसपास, 8.25 लाख के पास मांगते हैं। तो रेट तो काफी अच्छी भैया आपके। मैं बार बार बताता हूँ कि मैं और भी जगह जाता हूँ वीडियो बनाने, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों। इस वीडियो का मुझे पैसा नहीं मिला है, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की जो रेट है वो अच्छे लगते हैं। तो 8.25 लाख रुपये मिल जाएगी आपको इनोवा G4 8 सीटर वेरियंट। लोकल नंबर पे है, अगर कोई जबलपुर से देख रहा तो उसके लिए लोकल नंबर मिल जाएगा। एक और अच्छी डील है, ये i10 ग्रैंड है। ग्रैंड i10 ये वाली 2017 फर्स्ट ओनर गाड़ी है। बहुत ज्यादा क्लोज लगी है भैया, 2017 फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। हाँ, 36,000 का रनिंग पे है गाड़ी। 36,000 रनिंग में है गाड़ी। इसकी आस्किंग है 4.75 के आसपास। इसकी आस्किंग मिल जाएगी 4.75। कब का है मॉडल? 17 वेरिएंट है ना, 2017 डीजल है। डीजल तो ये डील भी अच्छी है आप लोगों के लिए। अगर आपको मॉडल है मैग्ना, मैग्ना है ये, और आप ग्रैंड i10 है, डीजल है, 17 का वेरिएंट है। चली भी मेरे ख्याल से अप्रोक्स 30-35 के आस, कितनी चली? 35-36,000 ना, 35-36,000 के अप्रोक्स चली है। और 4,75,000 रुपए इसका आस्किंग मांगते हैं। आप बिल्कुल आइएगा, बताइए कि आप मेरी वीडियो देख के आए हैं, आपके लिए कम हो जाएगा। तो भैया इसके बाद कौन सी होने वाली है? हाँ ले चलिए भैया, नए स्टॉक पे ये बोलेरो आया है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया बहुत है लेकिन गाड़ियाँ अच्छी अच्छी खड़ी के लिए हमेशा रहता है। ये चारों कमानी है गाड़ी, ये चार कमानी वाली बोलेरो है ना। हाँ, इसका डिमांड हमेशा रहता है। तो कब का होने वाला भैया ये? 2014 का है, आस्किंग है मात्र 4.5 लाख। 2014 की बोलेरो मिल जाएगी आप लोग को मात्र 4.5 लाख रुपए में। अगर कोई भाई मेरा गांव से भी देख रहा है तो ये उसके लिए अच्छी डील हो जाएगी। चार कमानी वाली गाड़ी है, तो अगर ये आप गड्ढों वगैरह में चलाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये फर्स्ट ओनर गाड़ी भी है, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हाँ जी, फर्स्ट ओनर। चलो बढ़िया। अब एक और स्टॉक है आपका इको 2011। ये होने वाला है इको 2011 का फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये भी। हाँ ये भी फर्स्ट ओनर। तो इको की डिमांड आती तो है लेकिन रेट थोड़ा सही होना चाहिए भैया। तो क्या मांगते हैं इको? अपन दे देंगे ये 2.35 के आसपास, 2,35,000 में 2011 की इको। एसी वाली है ये, नॉर्मल वाली है? एसी वाला मॉडल है ना, क्योंकि गर्मी आ गई ना इसलिए एसी पूछना पड़ता है। एसी लगेगी तो एसी वाला मॉडल है, 2011 की है, 2,35,000 में आपको मिल जाएगी। तो चलो आगे चलते हैं। ये नई वाली स्विफ्ट बताइए भैया, 2018 की है, डीजल है, डीजल VDI VDI है ना गाड़ी है, जबलपुर नंबर पे है, जबलपुर नंबर पे है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। क्या मांगते हैं भैया इसका? इसकी फाइनल आस्किंग है 6.45 के आसपास, 6,45,000 रुपए। ये VDI आपके थ्रू आएंगे बंदे तो आप तो जानते ही हो। बिल्कुल बिल्कुल, मान सम्मान करनी पड़ता। तो ये है 2018 की VDI फर्स्ट ओनर गाड़ी है, व्हाइट कलर में बहुत शानदार लग रही है, लोकल MP20 नंबर पे मिल जाएगी। 6,45,000 रुपए मांगते हैं। चलिए थोड़ा बताएंगे भैया, क्योंकि नई गाड़ी है तो थोड़ा चलिए। ये 35,000 के आसपास ना, और इंश्योरेंस कंप्लीट, पूरा सब सारा कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट है। 6,45,000 में आपको आस्किंग मांगते हैं। तो अगली ये वाली एक्सयूवी स्टॉक है, ये 2013 का एक्सयूवी है, 2013 बंपर प्राइस पे ये अपन दे देंगे मात्र 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख में 2013 की एक्सयूवी W8 टॉप एंड वेरिएंट है, दोस्तों टॉप एंड वेरिएंट है, अलॉय व्हील वाला है, नंबर भी देखिए 4-1 के 4-1 के वाला नंबर है। और भैया एक चीज़ और पूछना था, जैसे अपने यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं तो अपन कोई एक्सीडेंटल वगैरह गाड़ियाँ रखते हैं? नहीं नहीं, एक्सीडेंटल नहीं है। हाँ ये है, सेकंड ओनर पे है गाड़ी, ये सेकंड ओनर पे गाड़ी है ना। तो दोस्तों ये सेकंड ओनर पे गाड़ी होने वाली है, लेकिन रेट अच्छा है और VIP लोग जो होते हैं आप लोग, VIP नंबर पे आपको गाड़ी मिल जाएगी। 5.5 लाख रुपए इसका आस्किंग मांगते हैं। फाइनल है, 5.5 इसका फाइनल है, मतलब कुछ भी कम नहीं होगा, 5.5 इसका फाइनल है। नहीं नहीं, आपके ब्लैक कलर में तो आपका तो सम्मान करना ही पड़ेगा। ये लो भाई लोग, ये भैया इतना भी करने को तैयार है। तो अगर आप आते हैं तो बिल्कुल बताइएगा कि आप मेरी वीडियो देख के आ रहे हैं। एक गाड़ी 2010 का एक, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। W8 है, टॉप एंड वेरियंट है,
सारी कुछ चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। और ये 2013 का उस समय का टॉप एंड वेरिएंट है, अब तो वैसे 2014 है। तो चलो एक चीज और अच्छी हो गई, अलॉय व्हील वाला वेरिएंट है, इसके लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो अगली गाड़ी बताइए। एक इको और आया हुआ 2010 का। आज इको बहुत लेके आए आप, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में इको है, 2010 की है। ये भी एसी वाली है? हाँ जी, एसी मॉडल है ये, एसी मॉडल है, 2010 की है। फर्स्ट ओनर गाड़ी भी है? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। तो इसका कितना मांगे आपने? मात्र 2 लाख रुपए में मिल जाएगी ये वाली इको, तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। तो भाई लोग, अभी तक आपने देखा एनी भाई को, अब जुड़ने वाले हमसे मून भाई। तो मून भाई, आप दिखाने वाले थे कौन सी गाड़ी, बताइए। Hyundai की सेंटाफी है ये, टॉप एंड मॉडल है, टॉप एंड वेरिएंट है। ये तो एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है। तो कब का वेरिएंट होने वाला है ये? 2013 की गाड़ी है, 10 एयरबैग्स के साथ है, दोनों ही सीट में पुश बटन कंट्रोल है। चलिए थोड़ा अंदर से अपन दिखाते हैं इसको। दोस्तों ये होने वाली Hyundai की सेंटाफी, 2013 का वेरिएंट है, और ये टॉप एंड वेरिएंट है, काफ़ी शानदार कंडीशन में। एक सेकंड, ये देख सकते हैं आप, अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है। इसमें आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट, आप देख सकते हैं ये, और ये 8-way एडजस्टेबल है। ये देखिए, ये पूरा 8-way एडजस्टेबल है। हाँ, गाड़ी हो चुकी है ऑन। चली कितनी थी भैया ये? 70,000 चली हुई है। सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों। और इसमें स्पेस की अगर मैं बात करूं तो स्पेस बहुत ही लग्जरी गाड़ी है। थोड़ा बैठ के दिखाते हैं आप लोगों को पीछे से। ये मेरे ऐसा 6 फुट का बंदा भी इसमें आराम से बैठ जाता है। मतलब एक कहा जाए तो इसे आप जो अभी लॉन्च हो रही हैं हैरियर वगैरह आ रही हैं उनसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन में अपन देखेंगे तो दोनों का ही कंपैरिजन सेम आएगा। मतलब सेम आएगा। 2020 में जो वेरिएंट आए हैं, हाँ? ये Hyundai ने 2013 में लॉन्च कर 10 एयरबैग दे रही है गाड़ी। सबसे सारे पिलर्स में आपको SRS के एयरबैग मिल जाते हैं। और ये 7-सीटर गाड़ी, 7-सीटर है, पीछे भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। और इसमें सारे सीट्स में अपन को एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, सारी सीट्स में रूफ एसीज हैं, सब में रूफ एसीज है ना। तो एक सेकंड से बंद करते हैं। तो मोहन भाई, इसका क्या प्राइस मांगते हैं आप? इसका तो इंश्योरेंस IDV वैल्यू जो जाती है वो 9 लाख रुपए जाती है। मतलब इंश्योरेंस IDV वैल्यू 9 लाख रुपए? 9 लाख रुपए तो IDV वैल्यू है इसकी। हाँ? और इसको अपन 7 लाख रुपए में दे देंगे। 7 लाख में दे देंगे ना? 7 लाख रुपए तो इसमें फाइनेंस ही हो जाएगा पूरा। अच्छा अच्छा, तो आस्किंग 7 लाख मांगते हैं, उसमें बैठ के कम होगा अगर कोई ज्यादा आपके थ्रू आएंगे तो हम बिल्कुल वीडियोस के थ्रू बिल्कुल कंसीडर करेंगे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, तो 7 लाख रुपए भाई लोग इसका आस्किंग मांगते हैं। थोड़ा कोई आएगा तो क्लियर कर हम कर लेंगे। तो हनी भाई, वो मोहन भाई, उसके बाद ये वाला बता दीजिए आप। ये ऑडी है, ऑडी 2015 मॉडल है, 2015 मॉडल। और ये डीजल वेरिएंट है? डीजल वेरिएंट है। हाँ, 57,000 समथिंग रनिंग है, 50,000 चल चुकी है जी। तो इसके बारे में थोड़ा डील बताएंगे। और ये Q3 होने वाली है जी? हाँ, Q3 है। एक सेकंड, इसमें भी पुश बटन कंट्रोल। इसमें तो क्या नहीं मिलता, इसमें तो सब मिलेगा आपको, इसमें तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट इसमें भी आपको मिल जाएगी। और ये 8-way एडजस्टेबल है, मतलब ऊपर नीचे भी ये होती हैं, उस तरफ भी आपको हीटेड सीट मिल जाएंगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ मिल जाएगा। चलिए, 57,000 है। लग्जरी सेगमेंट 4 सीटर्स की ऑडी ने यही लॉन्च करी थी। ये एक बिजनेस क्लास वालों की गाड़ी है, लेकिन Q3 होने के साथ साथ इसका माइलेज भी थोड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है। इसके ऊपर जो आती हैं थोड़ी महंगी आती हैं, इसके ऊपर फिर महंगी चली जाती, महंगी आती हैं। तो इसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आ चुकी है, तो एक बार फिर इसका आप रेट बता चाहेंगे कितना होने वाला है इसका? हम 15 लाख आस्किंग है इसकी, हमारी इसकी 15 लाख आस्किंग मांगते हैं। तो बैठ के जो भी हो जाएगा थोड़ा बहुत हो जाएगा, मान सम्मान जो भी हो जाएगा बिल्कुल हम कर देंगे। तो ठीक है मोहन भाई, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई लोग, गाड़ियां तो आपने देख ली होंगी, लेकिन अब आपको मिलाता हूँ भैया लोगों। सबसे पहले अन्नी भैया से आप मिल ही चुके हैं, तो काफी अच्छा इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया था, गाड़ी भी इन्होंने बहुत अच्छी बताई है। उसके बाद मिलेंगे प्रतीक भैया से। तो प्रतीक भैया, हेलो, एक बार हेलो बोल दीजिए। और भैया अपना मून भाई, भैया का नाम बहुत सुंदर है, तो मून भाई भी आपको यही मिल जाएंगे। तो एक बार दोनों भाई लोग, तीनों भाई लोग आप लोग हेलो बोल दीजिए सबके लिए। उसके बाद अपन मिलवाते हैं आपको यहाँ के फाइनेंसर से। तो फाइनेंसर वो वाले भैया से तो आप ऑलरेडी मिल चुके हैं कार हाउस वन की वीडियो में, तो एक बार फिर से आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, माय नेम इज रवि सोनी। रवि सोनी जी, और अपना भैया बता दीजिए। हेलो, माय नेम इज दीपक झारिया। दीपक झारिया जी, तो दोनों भाई लोग यहाँ का फाइनेंस का देखते हैं, तो थोड़ा आप डिटेल बताना चाहेंगे यहाँ पे कैसा फाइनेंस का चल रहा है। जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो कि हमारा कार हाउस 201 था, हाँ? उसमें ऑलरेडी हम पूरा मतलब लोन से संबंधित जो भी है पूरी वर्किंग हम संभाल रहे हैं। हाँ? तो सेम फॉर्मेट जो है हमारा ये कार हाउस 2, सारी एज इट इज वर्किंग वैसी है, पूरे सारे वही MPs, ऑल MPs हम पूरी वर्किंग करते हैं, मतलब पूरे MP का फाइनेंस। हाँ, पूरा ऑल MP। अच्छा, तो MP का फाइनेंस में आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि किन किन लोगों का फाइनेंस कर देते हैं, जैसे प्राइवेट जॉब्स का,
बिल्कुल बिल्कुल हमारा मतलब अगर आपका देखा जाए तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए हमारे पास में मतलब इसी अमाउंट फंडिंग होती है। एग्रीकल्चर बेस्ड जो होता है उसमें भी सिंपल फंडिंग मतलब सिंपल जो पेपर्स होते हैं उसमें हम बिल्कुल प्राइवेट वालों के लिए भी मतलब हमारे पास में जो भी है हर वर्ग के व्यक्ति के लिए लोन उपलब्ध है। मतलब कोई आए तो खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली अगर आया है तो उसको हम लोन देंगे। हाँ, लोन की फॉर्मेलिटीज थोड़ी सी अलग होती हैं, बट वो हमारा काम है, हम उनसे ले लेते हैं, अच्छा, तो हमें प्रोवाइड करते हैं और हम बिल्कुल उनको इजीली लोन। बिल्कुल। और कौन कौन से बैंकों से फाइनेंस आता है? सभी नेशनलाइज और प्राइवेट जो एनबीएफसी नॉन एनबीएफसी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो भाई लोग आप कभी भी यहाँ आते हैं तो आपको खाली हाथ हम नहीं लौटाएंगे, सारे बैंकों से यहाँ पे फाइनेंस हो जाता है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आप खेती बाड़ी वाले इंसान हो, मतलब गांव के लोग भी बहुत सारे अपने वीडियो देखते हैं, तो आप लोग कभी भी हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।